गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11 में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जाना। सिग्निफिकेंट फिगर के अपन ने रूल देखे, इसके बाद में अपने को कोई दो मेजर्ड वैल्यू दे, उन दोनों मेजर्ड वैल्यू को अपने को जोड़ना हो, एड करना हो, उनको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी, जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा, उसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लिखें। ऐसे कि दो मेजर्ड वैल्यू को अगर अपन मल्टीपल करें या उनको डिवाइड करें, तो रिजल्ट जो मिलेगा, जो नंबर मिलेगा, उसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा जाए, इसके भी रूल अपने को पढ़ने हैं। लेकिन इससे पहले अपन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं छोटा सा, राउंडिंग ऑफ, कि अपने को किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को राउंड ऑफ करना हो तो कैसे करें, इसके कुछ रूल है वो आपको पढ़ने हैं। इसमें फर्स्ट रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। जैसे कि एग्जांपल, कोई नंबर है 4.34, तो बेटा इस नंबर को मेरे को डेसिमल के बाद में 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, मतलब 4.3 तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो ये जो 4 हुआ, ये होगी ड्रॉप डिजिट, इसको हटाना पड़ेगा अपने। तो ड्रॉप डिजिट अगर 5 से छोटी है तो 3 में कोई चेंज नहीं होगा, अगर ये 5 से बड़ी हुई तो 3 क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा, 3 में एक एड हो जाएगा। तो ये 5 से छोटी है, ड्रॉप डिजिट 5 से छोटी है, तो ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 4.3। इसका जो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, 4.3। जैसे एक एग्जांपल हो रही कि कोई नंबर x 6.83, इसको डेसिमल के बाद में 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो देखिए बेटा, 6.8 तक इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब ये जो 3 हुआ, ये क्या हुआ, ड्रॉप डिजिट। अगर ये 5 से छोटी भी तो इससे पहले वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, अगर ये 5 से बड़ी हुई तो इससे पहले वाले डिजिट में एक बढ़ जाएगा। तो ये 5 से छोटी है तो कितना होगा, 6.8, फर्स्ट रूल से 6.8। नेक्स्ट रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। कि अगर ड्रॉप डिजिट 5 से बड़ी हो तो इस 5 से बड़ी हो तो ड्रॉप डिजिट से पहले वाली डिजिट में एक बढ़ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 6.76, मेरे को 7 तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये हुई बेटा ड्रॉप डिजिट, 6 क्या हुई, ड्रॉप डिजिट। ये 6 5 से बड़ा होगा तो इसमें क्या होगा बेटा, एक एड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.8, इसका राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, 6.8। अब नेक्स्ट रूल देखो, अगर ड्रॉप डिजिट 5 ही हो, जो अपन हटा रहे हैं वो अगर 5 ही हो तो क्या हो, इफ द डिजिट वी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। जैसे कि 6.851, तो इसमें देखिए बेटा 6.851 में मेरे को इसको 6.8 तक, मतलब डेसिमल के बाद में 1 प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये हुई बेटा ड्रॉप डिजिट, 5 क्या हुई, ड्रॉप डिजिट। ठीक है,
अगर इसके आगे जीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो, जीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो तो आपको फाइव से पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देना है, तो इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा 6.9, कितना होगा 6.9। ठीक है, दोबारा देखिए कि मेरे को डेसिमल के बाद में वन प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये जो 5 हुआ ये हुआ ड्रॉप डिजिट। अब 5 के आगे जो नंबर है वो जीरो के अलावा कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, कुछ भी हो, तो आपको इस 5 के जो पीछे वाले डिजिट है जहां तक अपने को राउंड ऑफ करना है, लेफ्ट में जो डिजिट है उसमें एक राइज कर देना है, रेज कर देना है, कितना आएगा 9, मतलब इसमें एक ऐड कर देना है, तो 6.9, तो इसका ये राउंड ऑफ हो गया 6.9। जैसे कि एक एग्जांपल बोले 6.5.753, मेरे को डेसिमल के बाद में वन प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, वन प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो ये 5 को अपने को हटाना है, तो 5 के आगे वाले जो डिजिट है वो डिजिट क्या है, जीरो के अलावा कुछ भी हो तो इस 7 में क्या हो जाएगा, एक एड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5.8। नेक्स्ट इसका बोले इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। अगर लेफ्ट वाली डिजिट इवन हुई और नंबर में अगर 5 हो या 5 के आगे कोई 0 हो तो लेफ्ट में जो डिजिट होगी वो अगर इवन हुई तो वो अनचेंज रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल देखिए 6.250, मेरे को डेसिमल के बाद में वन प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 6.2 तक करना है इसको, तो बेटा इस 5 को हटाएंगे, अगर ये 5 है या 5 के आगे 0 है तो आपको इस डिजिट को देखना है, पीछे वाले डिजिट को, अगर ये इवन है तो ऐसे की ऐसे रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, अगर ये ओड है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये इवन है तो इसका राउंड ऑफ करेंगे कितना आएगा 6.2, कितना आएगा 6.2। अगर ये ओड हो 6.750, तो देखो मेरे को यहां तक राउंड ऑफ करना है 7 तक, तो ये 5 को हटाना पड़ेगा, ये 5 के आगे क्या है 0, तो अब 7 को देखना है, अगर ये ओड है तो इसमें एक बढ़ जाएगा, अगर इवन हो, ये डिजिट इवन हो तो ये ऐसी कैसी रहेगी, तो ये क्या है बेटा 7 ओड नंबर, तो क्या हो जाएगा 6.8, क्या हो जाएगा 6.8। तो नेक्स्ट रूल ये है इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड, अगर वो ओड हो तो बेटा ये रूल है राउंड ऑफ के लिए। इन्हीं रूल को देखते हुए आपको जो मेजर वैल्यू मिलती है उसको राउंड ऑफ करना है, अपन न्यूमेरिकल जब करेंगे वहां पे राउंड ऑफ करेंगे, तो देखिएगा कि जैसे एक तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करेंगे कि किसी मेजर वैल्यू को कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख सकते हैं, तो वो रूल भी ध्यान रखने हैं आपको और इन रूल को भी ध्यान रखना है।